हेलो एवरीवन। देखिए, आज इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक जो भी हम लोग का फाइल या फाइल हो या फोल्डर हो, उस फोल्डर में क्या क्या चेंजेज हो रहा है। मतलब कोई भी, मान लीजिए मेरे पास कोई फोल्डर है, अनिकेत नाम से फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर कोई फाइल क्रिएट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, कोई भी इवेंट क्रिएट हो रहा है। मतलब जो होता है ना, मान लीजिए गए हम फोल्डर में जाकर नया फाइल क्रिएट कर दिए, डिलीट कर दिए, ये सब हम लोग पता नहीं रह पाता है। तो क्या करें, हम लोग पाइथन में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें क्या होगा ना, वो हम लोग फोल्डर में एक तरीके से वॉच करेगा फोल्डर में क्या क्या हो रहा है, चाहे फाइल में क्या क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, डिलीट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम लोग को यही एनालाइज करना है। तो उसके लिए क्या है कि पाइथन में एक वॉच डॉग नाम का लाइब्रेरी है, पैकेज है, इसको हम लोग को यूज करना है। वॉच डॉग नेम से ही पता चला कि जिस तरीके से, देखिए डॉग जो होता है, हम लोग घर में, मान लीजिए मेरे पास घर है, उसमें एक डॉग रखे हुए हैं, तो डॉग क्या करता है, मेरे घर में पूरा देखता रहता है, कुछ भी गलत चीज होता है वो सब भोकता है। मान लीजिए गलत हो रहा है तो भोकेगा, अच्छा हो रहा है तो ठीक से रहेगा। मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। वॉच डॉग नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमें वॉच करना है कुत्ते की तरह। तो जाना है आपको गूगल पे, सर्च करना है वॉच डॉग पाइथन, जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करना है। तो क्या होगा, आपको ये खुलेगा, आपको इस कमांड को पिप इंस्टॉल वॉच डॉग को कॉपी करना है। कॉपी कर लिए, अब चलेगा, कोई भी आप फोल्डर में कोड कर सकते हैं। आपको जाना है टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल जाएं और उस कमांड को पेस्ट कर देंगे और उसको एंटर मारेंगे। आप में कुछ टाइम ले सकता है, मेरे में ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है क्योंकि हम पहले इंस्टॉल कर चुके हैं इसको। चलिए इसमें कोड करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम लोग फाइल बनाएंगे main.py फाइल बना लिए। आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं। अब मान लीजिए प्रोजेक्ट देख रहे हैं, आपको इतना पता ही होगा कि पाइथन का जो एक्सटेंशन है .py होता है। अब पहले तो हम लोग क्या करें, इंपोर्ट करेंगे टाइम को। टाइम को इसलिए इंपोर्ट करेंगे, मान लीजिए जो लूप में चलेगा ना, मान लीजिए क्रिएट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो हमें क्या करें, लूप में चलाना है, उसको वॉच करना है ना। तो लूप चलाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि इनफाइनाइट लूप में, मतलब जो होता है रिसोर्स कम यूज करें सिस्टम को, इसलिए हम लोग टाइम को यूज करेंगे, एक सेकंड में लूप रन करें। इसलिए हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे टाइम को इंपोर्ट कर लिए। इसके बाद हम लोग आएंगे फ्रॉम वॉचडॉग डॉट ऑब्जर्वर, ठीक। इम्पोर्ट करेंगे हम लोग क्या, ऑब्जर्वर को इम्पोर्ट कर लिए हम लोग, ठीक। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वर को इंस्टॉल, मतलब जो देखेगा ऑब्जर्वर को इंस्टॉल, हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे ऑब्जर्व पर क्या क्या हो रहा है। और हम लोग करेंगे इवेंट फाइल, इवेंट जो तो फाइल सिस्टम इवेंट हैंडलर को इम्पोर्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, इवेंट को हैंडल करेगा, मतलब क्रिएट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, वो तो देखेगा, जो बताया कौन क्या हो रहा है। इसलिए हम लोग करेंगे फ्रॉम वॉचडॉग डॉट इवेंट, इवेंट्स इम्पोर्ट करेंगे हम लोग फाइल, इवेंट फाइल सिस्टम इवेंट हैंडलर को, ठीक। इसको हम लोग इम्पोर्ट कर लिए। अब आएंगे हम लोग कोड लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग क्लास बनाएंगे, उसमें हम लोग इवेंट को डिफाइन करेंगे, क्या क्या इवेंट होना चाहिए। तो क्लास करेंगे हम लोग यहाँ पर माई हैंडलर, ठीक। इसके बाद हम लोग आएंगे फाइल सिस्टम इवेंट हैंडलर को यहाँ पर कर लिए। अब इसके नीचे आएंगे हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग इवेंट को डिफाइन करेंगे, डेफ फंक्शन बनाएंगे, ऑन मॉडिफाइड हो, और यहाँ पर सेल्फ को पास करेंगे, सेल्फ और इवेंट को पास कर दिए। अब अगर मॉडिफाई हो, हम लोग यहाँ करेंगे फंक्शन बनाएंगे डेफ ऑन मॉडिफाइड, तो मॉडिफाइड हो तो हम लोग प्रिंट कर दे मॉडिफाई हो गया है। मान लीजिए इवेंट, तो मान लीजिए पता चल गया कि मॉडिफाई हो रहा है, तो प्रिंट करेंगे तब तो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे मॉडिफाइड, एफ स्ट्रिंग लगाएंगे हम लोग मॉडिफाइड। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इवेंट, जो इवेंट हो रहा है इवेंट डॉट src, पाथ देंगे ना, मतलब कहाँ पे इवेंट, जो पाथ देंगे किस फाइल में वो चेंजेज हो रहा है, तो इवेंट डॉट src सोर्स दे देंगे हम लोग, सोर्स पाथ, ठीक। यही करना है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉपी करेंगे, इसको इतना लिखेंगे नहीं हम लोग, इसको कॉपी करेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेज करते रहेंगे इसमें, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, मान लीजिए जो मॉडिफाई हो गया। अब क्या करेंगे, ऑन क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब क्रिएट हो, तो हम लोग यहाँ पे हो जाए क्रिएटेड के लिए मैसेज कर दे, क्रिएटेड के लिए हो गया, src पाथ दे देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक। अब उसके बाद कर हम लोग डिलीट का देंगे ऑप्शन, यहाँ पे ऑन डिलीटेड कर दे दिए, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे ऑन डिलीटेड, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे डिलीटेड, ठीक। src डॉट पाथ वही है। अब क्या करेंगे, और मूव आ जाएगा, ऑन मूव, मूव करेंगे तो हम लोग को ये इवेंट हैंडल करें, मतलब बोलना चाहिए कि मूव हो रहा है, डिलीट हो रहा है, सबको डिफाइन करें यहाँ पे मूव, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा कमांड देंगे जो सब पे रन कर जाए, ठीक। मान लीजिए इतना ही होना चाहिए, मान लीजिए मॉडिफाई हो गया, क्रिएट हो गया, डिलीट हो गया, मूव हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ऑब्जर्वर का, यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ऑब्जर्वर इक्वल टू ऑब्जर्वर, ठीक। इसको क्रिएट कर लिए, और यहाँ पे इवेंट हैंडलर को दे देंगे, इवेंट हैंडलर माई हैंडलर, ठीक। इसको दे दिए हम लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जर्वर डॉट शेड्यूल हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, इवेंट हैंडलर इसको पास करेंगे, और हम लोग किस पाथ में इसको एनालाइज करना है, जो पाथ देंगे ना, हम लोग पाथ इसी फोल्डर का देते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, पाथ इक्वल टू हो जाएगा डॉट, मतलब इसी फोल्डर में काम करना है। आप इसको यहाँ पर जो पाथ है, इसको किसी का भी पाथ दे सकते हैं, जिस फोल्डर का आपको एनालाइज करना है, हम इसी फोल्डर को एनालाइज करेंगे, यहाँ पर दे देते हैं, घुमा देंगे, और रिकॉर्ड सी रिकॉर्ड
रिकर्शन में देते हैं हम लोग ट्रू, रिकर्सिव में देते हैं हम लोग ट्रू, रिकर्सिव इक्वल टू ट्रू दे दिए हम लोग, बस हम लोग इतना ही काम करना था। अब क्या करें हम लोग, ऑब्जर्वर डॉट स्टार्ट, अब इसको स्टार्ट कर देंगे ऑब्जर्व करना, तो ऑब्जर्वर डॉट स्टार्ट स्टार्ट हो गया। अब इसको करेंगे हम लोग लूप में चलाना है कि ये देखता रहे, तो हम लोग आएंगे लूप चलाएंगे यहाँ पे, ट्राई करेंगे ट्राई, अगर सब चीज सही रहा तो ट्राई, और यहाँ पे लाएंगे वाइल टू, यहाँ पर करें हम लोग ऑब्जर्वर डॉट स्टॉप, ऑब्जर्वर टाइम डॉट स्लिप, टाइम डॉट स्लिप मतलब लूप रन करते रहे और स्लिप एक सेकंड में रन करते रहे, ज्यादा सिस्टम का रिसोर्स यूज ना करे, तो एक सेकंड में इसको लूप को रन कराना है, एक सेकंड डिले लेकर। अब एक्सेप्ट मान लीजिए रोकना है तो कंट्रोल सी दबाते हैं कंट्रोल कट करने के लिए, तो यहाँ पे देंगे कट करने एक्सेप्ट, यहाँ पे दे देंगे हम ऑब्जर्वर डॉट एक्सेप्ट, यहाँ पर कीबोर्ड इंटरप्ट, इंटरप्ट दे देंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे दे देंगे ऑब्जर्वर डॉट स्टॉप, एक स्टॉप कर देंगे हम लोग, और नीचे आएंगे और वेट, और यहाँ पे ऑब्जर्वर डॉट जॉइन। ठीक, हम लोग का कोड इतना ही था। इस कोड से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इवेंट को देखिए ये कोड लिखा गया, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर प्रिंट, यहाँ पर ऑब्जर्वर्स, यहाँ पर एस छूट गया, ऑब्जर्वर्स होना चाहिए। अब इसको कंट्रोल सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक, ऑब्जर्वर शेड्यूल कर दिए, अब इसको कंट्रोल सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। तो हम लोग का जो रनिंग है ये एक मिनट इसको क्लियर करते हैं, अब इसको रन करते हैं, कोड को रनिंग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे सब दिखता रहेगा। हम लोग यहाँ पे गए प्लस में गए, यहाँ पे कुछ अनिकेत नाम फोल्डर बना दिए, फाइल बना दिए, तो क्रिएटेड अनिकेत हो गया। अब यहाँ पर हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर अनिकेत फोल्डर क्रिएट, अनिकेत डबल टी लगाते हैं, फोल्डर क्रिएट हो गया क्रिएटेड। अब इसको हम डिलीट करेंगे तो मूव हो गया डिलीटेड अनिकेत। अगर मान लीजिए इस फाइल में कुछ भी हम यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे, कंट्रोल सेव करेंगे, मॉडिफाइड हो गया। अगर मॉडिफाई हो गया फिर यहाँ पे क्या, अगर हम इसको अनिकेत को डिलीट करते हैं तो सब दिखा रहा है, मतलब मॉडिफाई हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे सपोज करते हैं अनिकेत डबल टी फोल्डर बनाते हैं, फाइल बनाते हैं और एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक, अब क्या करें हम लोग अनिकेत डबल टी को इसको इसमें मूव कर देते हैं। तो देखिए मूव किए तो मॉडिफाइड हो गया, मूव हो गया क्रिएटेड, ये इतना हो गया मॉडिफाइड हो गया। ठीक, अब गए इसमें कुछ भी हम लोग करेंगे, कंट्रोल सेव करेंगे, मॉडिफाइड हो रहा है, देखिए हम लोग को वॉच कर रहा है। इसी तरीके से आप कोड लिख सकते हैं अपना, अब किसी भी डायरेक्टरी के बारे में आप उसको वॉच कर सकते हैं, उस डायरेक्टरी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये कोड गिटहब पर डाल देंगे, जाकर आप वहाँ चेक कर सकते हैं और अपने फाइल अपने सिस्टम में इसको रन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।